हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रदर FS101 पे सिलाई कैसे की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलाई के लिए हम बॉबिन फिल करेंगे। तो यहाँ हमने बॉबिन यूज़ की है जो इसके साथ ही फ्री मिलती है मशीन के। प्लास्टिक बॉबिन ही यूज़ करनी है, हमें मेटल की बॉबिन यूज़ नहीं करनी है। उसके बाद हम अपने स्पूल पिन को पुश करेंगे, वो बाहर आ जाएगा। उसमें हम अपना थ्रेड लगाएंगे। यहाँ पर हमें तीन थ्रेड स्पूल होल्डर स्पूल दिए गए हैं। मेरा जिस टाइप का आपका स्पूल होगा उसी टाइप का आप यूज़ कीजिए। मेरा स्पूल छोटा है तो मैं यहाँ पे अपना थ्रेड स्पूल होल्डर भी स्मॉल यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम अपनी बॉबिन को बॉबिन शाफ्ट में फिट करेंगे। सीट पे जब वो बैठ जाएगी तब हम अपना थ्रेड लेंगे और थ्रेड को यहाँ देखिए एक थ्रेड होल्डर है, यहाँ थ्रेड होल्डर से अंदर से निकालेंगे और अपने राइट में ले आएंगे, अपने सीधे हाथ में। सीधे हाथ से क्लॉकवाइज घुमाते हुए हम इस, ये देखिए थ्रेड को अपने राइट में रखा, क्लॉकवाइज घुमाते हुए अपने लेफ्ट से फिर दोबारा से राइट की तरफ ले आएंगे। समझ आ गया? एक बार दोबारा बताती हूँ। थ्रेड होल्डर से निकाला, अपने राइट में लेके आए सीधे हाथ की तरफ, क्लॉकवाइज घुमाते हुए ये देखिए यहां लेके आए, क्लॉकवाइज घुमाते हुए लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट और सीधा बॉबिन की तरफ आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको 6-7 बार घुमाएंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को अपना यहां से, कटर है नीचे बॉबिन की सीट पे, देखिए कटर है, कटर से एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर देंगे। फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उसे नहीं काटेंगे तो वो नीचे हमारे, जब हम बॉबिन को वाइंड अप करेंगे तो वो नीचे फंस सकता है। यह करने के बाद हम हल्का सा उसको अपने राइट में पुश करेंगे। अब हमारी बॉबिन जो है वो फिलअप होने के लिए, भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम अपनी मशीन के जो स्पीड कंट्रोलर बटन है उसको फुल पे कर देंगे, हाई पे, हाई स्पीड पे, और यहां से अपना ऑन किया। देखिए फिर की जो है भूख भरना शुरू हो गई। जब ये पूरी तरह से फिल हो जाएगी फ्रेंड्स, ये अपने आप धीरे धीरे करके जो है रुक जाएगी, तब हमें मशीन स्टॉप कर देनी है। देखिए हमारी बॉबिन जो है वो हिलोना रुक गई है। अब यहां से हम अपना मशीन को स्टॉप करेंगे, हल्के हाथ से अपने लेफ्ट पुश करेंगे और बॉबिन को निकाल लेंगे, थ्रेड कट करेंगे। अब करेंगे हम बॉबिन सेट। बॉबिन केस का कवर हटाएंगे और अपनी बॉबिन को इसमें सेट करेंगे। बॉबिन सेट करने के लिए हम हमेशा अपनी बॉबिन को राइट हैंड में रखेंगे और थ्रेड को लेफ्ट, मगर ऐसे नहीं, अपनी तरफ थ्रेड नहीं होना चाहिए, थ्रेड मशीन की तरफ, उस तरफ थ्रेड, बॉबिन राइट हैंड में, उसे नीचे ड्रॉप करेंगे और ये जो हुक दी है 1, 2 एंड 3 एक्स्ट्रा जो, दोबारा देखिए इस हुक से फिर ऐसे और ये जहाँ पे एक कटर दिया गया एक्स्ट्रा थ्रेड कट। ये हमारी बॉबिन सेट हो चुकी है। अब हम बॉबिन केस को बंद कर देंगे। ये हमारी बॉबिन पूरी तरह से सेटअप हो गया। अब हम ऊपर मशीन को थ्रेडिंग करेंगे। ऊपर थ्रेड के लिए हम अपने थ्रेड को पकड़ेंगे, थ्रेड होल्डर, सेकेंड थ्रेड होल्डर, यह पूरा आपको मैंशन दिया गया स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे 2 लिखा है, 2 से हमें यहाँ पे देखिए 3 है, घुमाते हुए ऊपर लेके आना, यहाँ 3 से घुमाते हुए ऊपर, और यहाँ पे एक देख रहे हैं आप ध्यान से, यहाँ पे एक अंदर लीवर है, उस लीवर में से हमें थ्रेड को घुमाकर नीचे ले आना है, नंबर 3, ये देखिए यहाँ भी मेंशन है नंबर 5, और यहाँ पे नीडल के ऊपर एक थ्रेड होल्डर दिया गया है, नीडल के ऊपर, ये यहाँ पे हमें दोनों हाथों से अपने थ्रेड को इस होल्डर के अंदर डालना है, थ्रेड होल्डर के अंदर। उसके बाद हम अपने ऑटो नीडल जो थ्रेडर है हमारे पास उसको लेके आएंगे, ऐसे करके उसके अंदर हमें थ्रेड रखना है। थ्रेड को रखा, हम धीरे से इसको छोड़ेंगे और ये देखिए हमारा थ्रेड जो है वो हमारी सुई के अंदर चला गया है, हम उसे बाहर ले लेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है इसमें धागा डालना सुई में और बॉबिन सेट करना। अब हमारी जो मशीन है वो कम्प्लीटली सिलाई के लिए तैयार है। तो चलिए आइए अब इस पर सिंपल स्टिच करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें स्ट्रेट स्टिच जो है वो सीधी सिलाई वो जो है सेट होती है, हमें सिंपल सीधी सिलाई करनी है। तो ये मैंने अपना फैब्रिक इसके नीचे रखा। अपनी मशीन की स्पीड को मीडियम पे करके मैं नीडल पोजीशन को नीचे किया
और ये मैंने देखिए फ्रेंड्स सिंपल स्ट्रेट स्टिच होना शुरू हो गया, रुक गया। मैंने मशीन को हुक किया, फुट को ऊपर किया, नीडल पोजीशन किया, अपना थ्रेड को थ्रेड कटर से कट किया। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया सिंपल स्टिच हो गया। इसमें आप लेंथ और विड्थ को भी मतलब लेंथ को सेट कर सकते हैं। विड्थ का सिंपल स्टिच से कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि वो उसकी विड्थ इस तरफ नहीं जाती, वो सीधी रहती है। आप इसकी सिर्फ लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें वाई डिफॉल्ट जो है वो 2.5 लेंथ की दी गई है, तो मैं इसे प्लस कर रही हूँ, थोड़ी बढ़ा रही हूँ। ये देखिए मैंने कर लिया 3.5। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा जो स्टिच लेंथ है वो थोड़ी बढ़ गई। ऐसे से जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे हमारा जो स्टिच लेंथ है वो बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम जो है ये 5 तक जाता है, तो मैं देखो 5 से आगे प्रेस कर रही हूँ, नहीं जा रहा, बीप आ रहा ना साउंड। तो मैक्सिमम जो है ये 5 तक जाता है। जैसे हमें कुछ गैदर करना है, रफल करने हैं, तो रफल्स के या कच्चा करने के काम आता है हमारा ये लेंथ। ये देखिए हमारा लेंथ कितना ज़्यादा स्टिच का बढ़ गया है। इसे हम कच्चा करने के लिए और जो मेरे गैदर्स डालने होते हैं उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस वाली स्टिच को। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।